गाइस हम लोग जा रहे हैं आज रायपुर में बड़ा दरिया कुमारी में जो है। तो गाइस आज का जो ब्लॉग होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होए गाइस, तो हमारे साथ बने रहिए इस ब्लॉग पे और देखते रहिए हमारा इंजॉयमेंट। और बड़ा दरिया जो है काफ़ी बड़ा है, पॉपुलर है और अभी काफ़ी ट्रेंड है गाइस। वहाँ का जो गार्डन है काफ़ी अच्छा है, तो गाइस आपको पूरा एक्सप्लोर कराता हूँ मैं वीडियो के तहत, तो आप हमारे साथ प्लीज़ बने रहिए। तो मिलते हैं गाइस आपको मेन रोड पे वॉस्कर इसे यहाँ तक लाया कर मोबाइल आओ वो आगे। तो गाइस देख सकते हैं फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं डाडी बंद चौक। ये डायरेक्ट जो चौक है गाइस सीधा दुरुक जाता है, दुरुक हाईवे रोड है और अभी यहाँ पे ब्रिज भी बन गया है, बहुत अच्छा हो गया है यहाँ पे रोड। तो गाइस ये जो टाटीबंद रोड है इसी रोड से हम जाएंगे सीधा बड़े दरिया और वहाँ काफ़ी अच्छा एक्सप्लोर करेंगे गाइस। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो पे और देखते रहिए। थैंक यू गाइस। देख सकते हैं फाइनली हम आ चुके हैं बड़े दरिया, ये अपना कुमारी में स्थित है, काफ़ी भव्य तरीके से बनाया गया है गाइस और गार्डन जो है काफ़ी बड़े स्पेस पे बनाया गया है गाइस। देख सकते हैं सामने हाथी वगैरह है, काफ़ी अच्छा कला मूर्ति यहाँ पे उपस्थित है गाइस देख सकते हैं। और भी हम यहाँ अंदर जाके आपको दिखाएंगे गाइस एक ऐसा रहेगा आगे का एक्सप्लोर, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो पे गाइस। देख सकते हैं यहाँ पे जो पार्किंग चार्ज है टू व्हीलर का जो है गाइस 10 रुपये है और कार वगैरह जैसे रखते हैं 4 व्हीलर तो 20 रुपीज़ है गाइस अगर आप यहाँ आते हैं तो। फाइनली टिकट हम ले चुके हैं, यहाँ का टिकट का प्राइस गाइस ओनली 420 रुपीज़ है पर हेड अंदर जाने के लिए। तो हमारे साथ हैं हमारे फैमिली, हेलो करो चलिए ठीक है गाइस। फाइनली अब हम आ चुके हैं अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ग्रीन विली लगा हुआ है यहाँ पर और स्नैक्स वगैरह जैसे खाना है चाय वगैरह पीना है तो गाइस यहाँ पे आ सकते हैं। और देखिए बच्चों का काफ़ी अच्छा लगा हुआ है वहाँ पे खेलने का। कृपया गेट के सामने कोई भी वाहन खड़ी ना करें, ये लहरी से दूरी बनाकर रखें। तो गाइस अभी आगे जाते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ का फाउंड काफ़ी अच्छा है सुनने में आया है क्योंकि हमारी भाभी बता रही थी फाउंड काफ़ी अच्छा है, तो देखते हैं जाके कैसा है गाइस। ये बड़े तरिया जी भी आयो कर मुंह करी क्या बोला बड़े। तो गाइस कान्हा हमारा कुछ बोलना चाहता है बड़े तरिया में आके। ये बड़े तरिया जो भी यहाँ आई होकर मुंह करिया ऐसा क्या पहला तो तेरा हाँ सही बोला क्योंकि यहाँ टाटी बंद से आने के बाद बहुत धूल उड़ता है तो ऑलरेडी वो तो काला हो ही जाता है आदमी, तो सही पकड़े हैं आपने गाइस। ये ग्रास तो नकली है बट भीग चुका है पानी में, नकली है ये। वाह कितना अद्भुत नज़ारा है गाइस देख सकते हैं यहाँ पे फाउंड का। और अभी तो थोड़ा सा उजाला है गाइस यहाँ पे, थोड़ा शाम हो जाएगा उसके बाद जो इसका व्यू आएगा उभर के काफ़ी अच्छा आएगा देखने को। देख सकते हैं गाइस पानी ही पानी है यहाँ पे, इतना पानी है गाइस देखिए। और वहाँ पे एक ट्रेन भी खड़ा है गाइस देखिए, उसको भी एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। कुमारी स्टेशन भी लिखा हुआ है गाइस उसमें देख सकते हैं आप। तो इस तरीके यहाँ जो ट्रैक है यहाँ पूरा चलता है गाइस, ट्रेन यहाँ से पूरा जा के एक राउंड लेता है। जो बच्चों का ट्रेन रहता है वैसी ट्रेन है गाइस देख सकते हैं पूरा। गाइस देख सकते हैं फाइनली ट्रेन भी आ रहा है गाइस, हमारे पास ही आ रहा है गाइस देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा अद्भुत नज़ारा है गाइस देख सकते हैं आप, आज मौसम भी बहुत अच्छा है। तो ये गाइस आने वाला है ट्रेन हमारे सामने, देखिए ऐसा चलता हुआ ट्रेन ऐसा दिखता है गाइस पूरा, लेकिन ये काफ़ी स्लो है गाइस और लिखा हुआ बुलेट टॉय ट्रेन। ये एक्चुअली बच्चों के लिए है, टॉय ट्रेन है जो घूम के थक चुके हैं उनके हिसाब से सही है और बुजुर्गों के लिए तो और अच्छी है क्योंकि उनको क्या है ज़्यादा चल नहीं पाते हैं ना बुजुर्ग। लास्ट में भी मोटू पतलू का फोटो लगाया सर बच्चों के हिसाब से देख सकते हैं गाइस।
ये देखिए गाइस कितना अच्छा नज़ारा है फाउंड का। अभी इसमें रात को जो लाइट जलेगा गाइस तो और भी काफ़ी अद्भुत दिखेगा ये देखने को। आप देख सकते हैं पूरा फाउंड का नज़ारा, ये पूरा जो है पूरा डांस करता है गाइस ये फाउंड जो है ना, जब रात को जब ये लाइट्स के साथ एक्सप्लोर करेंगे इसको आपको दिखाऊंगा गाइस मैं, काफ़ी अच्छा होने वाला है यहाँ का नज़ारा। देखिए ट्रेन देख सकते हैं गाइस कहाँ पहुँच गए अभी इतना जल्दी। एक राउंड का 50 रुपीज़ चार्ज है ट्रेन का। ये पलाश है हमारा भाई और ये थक चुका है यहाँ पे घूम घूम के। नहीं थका हूँ, छोटा सा गार्डन है गाइस अभी से थक गया ये देख सकते हैं। नहीं थका हूँ, नहीं थका हूँ। काना तू भी थक गया क्या? अरे थकने की बात नहीं है यहाँ, थका देंगे अच्छे से घुमाएंगे, पूरा व्लॉग बना के थका देंगे है ना, थका देंगे। गाइज आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का अच्छा अच्छा वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और आपको सिंगापुर का जो एक फाउंट है वो आपको दिखाता हूँ गाइज इसी वीडियो में, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे आगे चल के, देखते हैं काफ़ी अच्छा होने वाला है ये वीडियो। गाइस देख सकते हैं पलाश कहाँ जा रहा है, इंतजार था आपको वो आ गया है घड़ी। देख सकते हैं यहाँ पे सिंगापुर का ये पूरा थीम दिया हुआ है, काफ़ी ज़बरदस्त थीम है गाइस। देख सकते हैं पानी काफ़ी खूबसूरत है गाइस, यहाँ पर एक गार्ड भी उपस्थित है पानी के लिए। तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा शंकर भगवान जी का यहाँ पे शिवलिंग को भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया है, बनाया गया है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ पर्यटन थक जाते हैं तो उनके लिए बैठने के हिसाब से भी यहाँ पे बनाया गया है। और मेन यहाँ पे फाउंट यहीं पे चालू होता है तो यहाँ से डायरेक्ट बैठ के देखते हैं, शोइंग काफ़ी अच्छा है यहाँ पे शो होता है। और अभी आपको गाइस दिखाता हूँ 8:20 पे चालू होगा यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा बनने वाला है वीडियो गाइस यहाँ पे। तो गाइस बड़े तरिया का जो ड्रीम लाइट है अभी चालू हो चुका है गाइस, देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है गाइस यहाँ पे माहौल। अभी तो स्टार्ट हुआ है यहाँ का माहौल, अभी काफ़ी अच्छा होने वाला है गाइस देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त गार्डन है गाइस। अभी तो आगे भी एक्सप्लोर नहीं किया हूँ, इधर आगे भी बहुत अच्छा है, दिखाता हूँ गाइस आपको मैं आगे, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो पे। ट्रेन फिर से चालू हो चुका है, अच्छा लग रहा है आपको यहाँ आके, ऐसा लग रहा है आपको यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे मेरा सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम में भी अच्छा लग रहा था। हाँ हाँ, ऐसा ना, ऑसम जगह है, ऑसम जगह है। तो फर्स्ट टाइम आए थे तो आप यहाँ क्या किए? मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो जल्दी चली गई थी, पर इस बार मैं अभी रुकी तो लाइटिंग वगैरह दिख रही है तो बहुत अच्छा, ऐसा ना। चलो गाइस आगे देखते जाते हैं, भीड़ यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो रहा है गाइस देखिए। और यहाँ पे जैसे लाइट्स वगैरह फाउंट वगैरह जैसे लाइट्स वगैरह म्यूजिकल वगैरह होते हैं क्या यहाँ पे? हाँ म्यूजिकल वगैरह तो फिलहाल चालू है, पर अभी भजन चालू है भगवान का, है ना, बस उसी में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है,